ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी है आजादी की, गुलामी का वो दौर जब इंसानियत खत्म हो चुकी थी। आजादी से सांस लेना गुलामों के लिए पाप था। वो नरक से भरी जिंदगी जी रहे थे। ये कहानी पीटर नाम के गुलाम की है, जिसकी दर्द भरी कहानी ने पूरी दुनिया को रुला दिया। अमेरिका के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने सारे गुलामों को आजाद कर दिया। उन्होंने गुलामी के सिस्टम को अमेरिका से उखाड़ फेंका। लेकिन आजादी जंग के बिना नहीं मिलती। गुलामों को आजाद करवाने में कई मासूम मारे गए, इसलिए अब्राहम लिंकन ने एक आर्मी बनाई जो कि लोगों को आजाद करवाने में जंग लड़ती थी। लुइजियाना राज्य, साल 1863। पीटर नाम का गुलाम अपनी फैमिली के साथ था। वो ईश्वर को प्रार्थना कर रहे थे कि जल्दी से बुरा समय बीत जाए, और तभी प्लांटेशन के हैंडलर पीटर को जबरदस्ती साथ ले जाने लगते हैं। पर पीटर अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए प्लांटेशन के हैंडलर पीटर की वाइफ डोडियान पर गन तान देते हैं, और परिवार को खोने के डर से वो बाकी गुलामों के साथ चला जाता है। लेकिन क्लिंटन की हालत देख सभी गुलाम दहशत में थे, क्योंकि आज तक ना तो कोई यहां से भाग पाया और ना ही जिंदा लौटा। गुलामों के लटके सर इस बात की गवाही दे रहे थे, प्लांटेशन में गुलामों के साथ बहुत ही अत्याचार किए जाते हैं, जैसे इंसानियत मर गई हो। काले लोगों को जानवरों से भी नीचे का दर्जा दिया गया, और अत्याचार से तंग आकर जॉन नाम का गुलाम भाग जाता है। लेकिन कैप्टन फैसल जैसे तैसे जॉन को ढूंढकर प्लांटेशन में वापस ले आता है, और कैप्टन फैसल में दया धर्म जैसा कुछ नहीं। वो सजा के तौर पर जॉन को जिंदगी भर का जख्म देता है। प्लांटेशन में गुलाम नरक से भरी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन पीटर को गॉड पर भरोसा था। वो यहाँ के गुलामों को कहता है कि गॉड हमारी मदद करेंगे, लेकिन जॉन उसे कहता है कि किसी को झूठी तसल्ली मत देना, हमारी मदद कोई नहीं करेगा, दुनिया में गॉड जैसा कुछ नहीं। थोड़े दिन बाद जिमी नाम का हैंडलर अपने साथी से अब्राहम लिंकन के बारे में बात कर रहा था कि उसने सभी गुलामों को आजाद कर दिया। लिंकन की आर्मी बैटन रॉज के पास पहुंच चुकी है, जो कि लुइजियाना का कैपिटल है। सभी गुलाम बैटन रॉज की तरफ भाग रहे हैं। जिमी की सारी बातें पीटर सुन लेता है, जो कि बाकी गुलामों के साथ भागने का प्लान बनाता है। लेकिन भागना आसान नहीं था, क्योंकि जंगल और दलदल में खतरनाक किस्म के जानवर और कीड़े थे। उन सभी को पार करके उन्हें लिंकन की आर्मी के पास जाना होगा, ताकि सबको नरक से आजादी मिल सके। अब जिमी और उसका साथी पीटर से चिढ़े हुए थे, क्योंकि बाकी गुलामों की तरह वो किसी से नहीं डरता। उसने कई बार जिमी का सामना किया, और लिंकन के फैसले से जिमी डरा हुआ था कि अगर सारे गुलामों को आजाद कर दिया तो वो पीटर को मार नहीं पाएगा। इसलिए जिमी पीटर को काम देता है कि मर चुके लोगों को ठिकाने लगा दो। अब खड्डे में लाशों को जलाया जाना था, पर पीटर समझ चुका था कि ये लोग ब्लास्ट होने के इंतजार में हैं। जैसे ही प्लांटेशन में ब्लास्ट होगा, ये लोग शूट करके उसे मार देंगे। लेकिन उससे पहले पीटर दोनों को मार देता है, और मौका देख सभी गुलाम भागने लगते हैं, जिसमें कई गुलाम मारे जाते हैं। पीटर के साथ तीन और गुलाम थे, जिसमें से एक जॉन था। वो सबसे बचकर प्लांटेशन से भागने लगते हैं, लेकिन चारों के पीछे फैसल और उसके दो साथी थे, जिसमें से एक ब्लैक मैन था। अब चारों आगे बढ़ रहे थे, लेकिन सामने तालाब था जिसमें ढेर सारे क्रोकोडाइल थे, जिन्हें देख पीटर का एक साथी वहीं रुक जाता है। लेकिन बाकी बिना डरे कूद जाते हैं, और समय पर सही फैसला ना लेने के कारण वो वहीं फंस जाता है, जिसे फैसल के कुत्ते दबोच लेते हैं। वो उसे बेरहमी से फाड़ देते हैं। फैसल गुलाम को धमकी देता है कि अगर जिंदा रहना चाहते हो और आजाद होना चाहते हो, तो मुझे अपने साथियों की दिशा बता दो, वो लोग कहां भागे हैं। और मौत के डर से वो फैसल को बता देता है कि वो लिंकन की आर्मी के पास भागे हैं। और ये सुनने के बाद फैसल उसे जाने को कहता है कि अब तुम आजाद हो। लेकिन तालाब में पहुंचते ही फैसल उसे शूट करके मार देता है, जिसके बाद तालाब के क्रोकोडाइल गुलाम को खा जाते हैं। और इधर पीटर दोनों गुलामों को अलग दिशा में भागने को कहता है, ताकि तीनों को दबोचना मुश्किल हो जाए। पीटर के पैर में गोली लगी थी, और जख्म को ठीक करने वो पास की व्हाइट फैमिली के घर पहुंचता है, जहां से पानी पीने के बाद वो कपड़ा उठाकर भाग जाता है। लेकिन उसे व्हाइट फैमिली की बच्ची देख लेती है, जो कि सबको पीटर के बारे में बता देती है। तो भाइयों, सारे बच्चे भगवान का रूप नहीं होते। फैसल के कुत्ते पीटर की स्मेल को फॉलो कर रहे थे, और अपने कपड़ों को छुपाकर पीटर पास के तालाब में छुप जाता है, जिससे कुत्ते कपड़े को सूंघकर वहीं रुक जाते हैं। और उनके जाने के बाद पीटर तालाब से बाहर आता है, लेकिन तभी उसे क्रोकोडाइल पानी में खींच लेता है, जो कि उसे मारने की कोशिश करता है।
पर जैसे तैसे पीटर क्रोकोडाइल को मार देता है। और इधर डोडियन को बुरा सपना आया था कि पीटर बहुत बड़ी मुसीबत में है, और पिता को खोने के डर से बच्चे काफी डरे हुए थे। लेकिन डोडियन बच्चों को कहती है कि गॉड पर भरोसा रखो, तुम्हारे पापा असली मर्द हैं, वो अपनी फैमिली को कभी नहीं छोड़ेंगे। और क्रोकोडाइल की लाश देख फैसल समझ चुका था कि पीटर आसपास है। और रात को फैसल अपने बचपन की कहानी सुनाता है कि कैसे गुलाम औरत उसका ध्यान रखती थी, माँ से ज्यादा उसे गुलाम औरत अच्छी लगने लगी। और एक दिन फैसल ने प्लान किया कि वो गुलाम औरत को खाने पर इनवाइट करेगा, जिसे सुनकर फैसल के पिता को गुस्सा आ गया। उसने फैसल को कहा कि गुलामों को महसूस होने मत देना, वो किसी चीज के हकदार हैं। तभी फैसल ने पिता को बता दिया कि उसने चुपके कई बार गुलाम औरत को खाना खिलाया, जिसके बाद फैसल के पिता ने उस औरत को स्टैप करके खेत के बीच में खड़ा कर दिया, जिससे थोड़े ही दिनों में वो तड़पते हुए मारी गई। और इधर डोडियन को इन्फॉर्म किया जाता है कि कैप्टन ल्यून्स, जो कि सबके मालिक हैं, उन्होंने डोडियन को आगे बेच दिया और उसे बच्चे छोड़कर जल्दी यहां से जाना होगा। लेकिन डोडियन बच्चों को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगी, इसलिए कॉटन मशीन में वो अपने हाथ को जख्मी कर लेती है, क्योंकि जख्मी गुलामों को कोई नहीं खरीदता। पीटर को आवाजों से पता चल जाता है कि वो लिंकन आर्मी के आसपास है, लेकिन फैसल के कुत्ते उसके पीछे थे। और जैसे तैसे पीटर खुद की स्मेल को मारने की कोशिश कर रहा था, तभी आगे बढ़ते समय उसे जॉन मिलता है, जिसे वो प्याज खाने को कहता है कि इससे कुत्ते तुमसे दूर रहेंगे, ये तुम्हारी स्मेल को मार देगा। तभी फैसल के लोग दोनों के पास आ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए जॉन पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और पीटर पेड़ की जड़ों में छुप जाता है। लेकिन फैसल जॉन को शूट करके पेड़ से नीचे गिरा देता है। वो जॉन से पीटर के बारे में पूछता है, पर जॉन उसे कुछ नहीं बताता। बाकी गुलाम ऐसा ना करें, फैसल जॉन की गर्दन उखाड़ देता है ताकि आगे से कोई भागने की कोशिश ना करे। रात को पीटर एक जले हुए घर के अंदर पहुंचता है, जहां उसे जख्मी गुलाम बच्ची दिखती है, जो कि जल्दी मरने वाली थी। पीटर बच्ची को पानी पिलाने की कोशिश करता है, और मरने से पहले वो पीटर को क्रॉस देती है। तभी फैसल के आदमी पीटर को गन पॉइंट पे ले लेते हैं, लेकिन पीटर दोनों को मार देता है। और जाने से पहले वो फैसल के ब्लैकमैन को कहता है कि तुमसे घिनौना इंसान दुनिया में कोई नहीं। फैसल का कुत्ता पीटर के पीछे था, लेकिन पीटर उसे शूट करके मार देता है। और सुबह होने तक वो लिंकन की आर्मी के पास पहुंच चुका था, लेकिन तभी उसे फैसल दबोच लेता है। वो पीटर को मारकर नीचा दिखाता है कि तू मेरा कुत्ता है, मेरे सामने जिंदगी की भीख मांग, पर पीटर उससे नहीं डरता। तभी लिंकन की आर्मी फैसल को शूट कर देती है, जिसके बाद पीटर को मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, जहां पीटर की फोटो खींची जाती है ताकि पूरी दुनिया को पता चल सके कि गुलामों के साथ कैसे अत्याचार किए जाते थे। और पीटर की हालत देख पत्थर दिल इंसान भी रोने लगेगा। खैर, लिंकन की आर्मी क्लिंटन में हमला करने वाली थी, जहां पर ढेर सारे गुलाम हैं। तभी पीटर आर्मी में शामिल हो जाता है, क्योंकि वो क्लिंटन में गुलाम था और उसे प्लांटेशन के बारे में अच्छे से पता है। पीटर के अंदर कई सालों का दर्द और गुस्सा भरा था, जिसे देख उसे क्लिंटन भेज दिया जाता है, जहां घमासान जंग के बाद लिंकन की आर्मी जीत जाती है और सारे गुलामों को आजाद कर दिया जाता है। आर्मी कैप्टन ल्यून्स और उसकी फैमिली को एग्जीक्यूट कर देती है, जिसके बाद सारे गुलामों को खुशखबरी दी जाती है कि आज से तुम आजाद हो। और ये वो पल था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। आजादी क्या होती है, गुलाम ये तक भूल गए थे। लेकिन कई सालों के अत्याचार सहने के बाद अब सब लोग आजाद हैं, वो आजादी से सांस ले सकते हैं। सबके चेहरे पर बहुत ही खुशी थी, लेकिन पीटर की दर्द भरी आंखें परिवार को ढूंढ रही थी। और तभी भीड़ में से पीटर का परिवार उसे पहचान लेता है, जो कि एक दूसरे को गले से लगाकर रोने लगते हैं, क्योंकि आज उन्हें दुनिया की सबसे अनमोल चीज मिली। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी के एंड में पीटर की असली फोटो दिखाई जाती है, और 1865 तक 4 मिलियन से ज्यादा लोगों को आजाद किया गया। लेकिन ये थी पीटर की कहानी, न जाने कितनी और कहानियां इतिहास में कहीं खो गई। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।